नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं नूतन वरुण। सबसे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। द्वितीय विश्व युद्ध के पेंशनरों की पेंशन बढ़ाकर की गई 8,000 रुपए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 226 वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को किया सम्मानित, कहा सैनिकों और आश्रितों की पूरी मदद करेगी सरकार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना में प्रदेश के 60 गांवों का किया चयन, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने कहा पलायन रोकने में कारगर होगी योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की नई योजना, देश के सभी राज्यों में बनाई गई समिति, वित्त मंत्री प्रकाश पंत होंगे समिति के केंद्रीय अध्यक्ष। और रुड़की में पर्यावरण बचाने को सैकड़ों विद्यार्थियों ने चलाई साइकिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी पेट्रोलियम पदार्थों की बचत की अपील, लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया गया अभियान। और अब खबरें विस्तार से। भूतपूर्व सैनिक संगठन की ओर से देहरादून में आयोजित वार्षिक मिलन एवं वीरता सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 226 वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि सैनिक हो या अर्धसैनिक, अगर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं तो उनके आश्रितों को योग्यता के आधार पर राज्य सरकार नौकरी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पेंशनरों को अब 4,000 की बजाय 8,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। जो हमारी नौकरियां होती है उसमें एक आरक्षण की व्यवस्था है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सैनिक हैं, अर्धसैनिक हैं, वो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं और इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि हमारे सैनिक हों या हमारे अर्धसैनिक बल हों, अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है तो उनके आश्रित को राज्य सरकार राजकीय सेवा में उनकी योग्यता के आधार पर सेवा में उनको लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद सैनिकों के लिए शहीद स्मारक भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में उत्तराखंड सबसे अधिक सैनिक देने वाला राज्य है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि 2018 में गढ़वाल राइफल्स की 22वीं बटालियन की स्थापना भी की जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना से उत्तराखंड के गाँव को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके तहत गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के 4 क्लस्टर में 60 गांवों का चयन किया जाएगा। योजना के तहत गांव के युवाओं को तैयार कर रोजगार मुहैया कराया जाएगा। देहरादून में स्थित उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने इस परियोजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि तकनीक के बल पर हर गाँव हर तरह से आत्मनिर्भर बन सकेंगे, इससे पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 गांवों का चयन किया गया है। इनमें से गढ़वाल मंडल में 3 गांव और कुमाऊं मंडल से 1 गांव शामिल है। यूकॉस्ट को परियोजना के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, सारी हमारी साइंस की यहाँ की इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा उत्तराखंड की साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, भारत सरकार की साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वैज्ञानिक लोग हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ मिलकर जो है गाँव के लोगों के साथ उन क्षेत्रों में काम करेंगे जो अनेक कारणों से पीछे रह गए हैं। वहाँ के लोगों को, नौजवानों को उनके पाँव पर खड़े करना, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और उसके लिए उनका विज्ञान से सहायता दिलाना उनको। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूकॉस्ट के सहयोग के लिए ग्रामोद्योग नेटवर्क सुरभि और उत्तराखंड उत्थान परिषद समेत अन्य विशेषज्ञ संगठन भी गाँव की चुनौतियों की जानकारी जुटाएंगे, साथ ही स्थानीय संसाधनों के आधार पर उनके निराकरण का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद के मुताबिक परिणाम मिलने पर केंद्र इसी तर्ज पर पूरे देश में परियोजना शुरू करेगा। केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शुरू की जाने वाली नई योजनाओं की जिम्मेदारी वित्त मंत्री प्रकाश पंत को सौंपी गई है। दिल्ली में हुई बैठक से लौटने के बाद हल्द्वानी पहुंचे प्रकाश पंत ने बताया कि केंद्र की नई योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में कारगर साबित होंगी।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए देश के सभी राज्यों के पेयजल मंत्रियों की समिति बनाई है, जिसका उन्हें दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि अगले 45 दिनों में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। गांव के लोगों को जागरूकता पैदा करें और पेयजल के प्रति उनके अंदर जागरूकता का भाव हो, इस उद्देश्य को लेकर के पूरे देश भर में एक नए कलेवर के साथ एक योजना लाने का विचार किया गया। और कल की माननीय केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी की अध्यक्षता वाली बैठक में ये तय हुआ कि हम स्वजल की तर्ज पर योजना यहाँ चालू करें, और वो योजना का स्वरूप क्या होगा, किस तरह से वो योजना बेहतर तरीके से काम कर पाएगी, इसके लिए माननीय मंत्रीगणों का विभिन्न राज्यों का एक समूह बनाया गया है और मुझे जवाबदेही दी गई है कि हम उस योजना को का प्रारूप 45 दिन के अंदर माननीय मंत्री जी के समक्ष रखें। पेयजल मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है, इसमें ये देखा जाएगा कि किस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लोगों को हर हाल में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त भारत को लेकर अभियान शुरू किया। इसके तहत काले धन के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया, जिसका असर ये हुआ कि देश में भ्रष्टाचार कम हुआ है, काला धन जमा करने वाले बेनकाब हुए हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत और काले धन के खिलाफ सरकार के प्रयास को लेकर जनता भी बेहद उत्साहित और खुश है। पेश है एक रिपोर्ट। भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ मोदी सरकार के प्रयासों को उत्तराखंड की जनता ने एक बड़ी उपलब्धि बताया। उद्योग जगत ने केंद्र सरकार के प्रयासों को मील का पत्थर करार दिया। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार ने देश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और कई तरह के टैक्स खत्म कर राहत देने का काम किया है। केंद्र सरकार के ठोस निर्णयों से उद्योगों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। बिजनेस की बात हम मोदी सरकार के आने के बाद भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या करी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए स्टेट्स को आपस में कम्पीट कराया है। सिंगल विंडो को जितना ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन डिपार्टमेंट्स के साथ कम होगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्लेटफॉर्म पे जितना ज़्यादा हम अचीव करेंगे, तो हर स्टेट आज की तारीख में ये कोशिश कर रहा है कि मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में अपने आप को सुधारूं। जब वो हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे कुछ ना कुछ लगाम हो रहा है। मोदी सरकार ने रेलवे में सुधार को लेकर व्यापक कार्य योजना तैयार की। साफ सुथरे रेलवे स्टेशनों के साथ ही ट्रेनों के भीतर सफाई और शुद्ध खाने पर जोर दिया। इसके साथ ही टिकट प्रणाली और अन्य कार्यों को पूर्णतः कंप्यूटरीकृत कर अब तक होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाई, जिसका असर नजर आ रहा है। सफर करने वाले यात्रियों के साथ ही रेलवे अधिकारियों ने भी केंद्र सरकार के प्रयासों को खूब सराहा। दिख रहा है कि वो गायब है, वो चीज़ लगभग गायब है। यहाँ बहुत सारे वेंडर्स होते थे, बहुत सारे जो है दलाल घूमते रहते थे, बार बार पकड़ते रहते थे, उनमें भी कंपटीशन होते रहते थे, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा है, ये बात तो सच है। रेलवे में सुधार के साथ ही परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया। अब कोई भी ऑनलाइन लाइसेंस का आवेदन कर आसानी से अपना लाइसेंस बनवा सकता है। देहरादून आरटीओ कार्यालय में लाइसेंस बनवाने वाले आवेदनकर्ताओं ने कहा कि न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, बल्कि प्रक्रिया आसान होने से पैसे और समय दोनों की बचत हो रही है। देखो, काफ़ी सुधार आ चुका है जब से सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई है, उससे हमारे जो कागजों की कार्रवाई है उसमें कहीं ना कहीं विराम लगा है और इसमें कोई एक निष्पक्षता की सामने नजर आई है। युवाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास फोकस रहा है। युवाओं के लिए रोजगार परक योजनाओं के साथ ही गरीब, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए ठोस निर्णय लिए। छात्रवृत्ति योजना को केंद्रीकृत करने के साथ ही ऑनलाइन व्यवस्था भी शुरू की गई। सरकार की इस पहल पर छात्रवृत्ति योजना का लाभ पा रहे छात्रों ने भी खुशी जाहिर की। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की पहल छात्र हित में सकारात्मक है। वर्तमान केंद्र सरकार ने कुछ ऐसी नीतियां लाई है समाज कल्याण, उसमें कि गरीब छात्र को छात्र भी नहीं, जैसे आधार ये कर दिया कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, आधार कार्ड से लिंक करवाया जाएगा उसका अकाउंट और सारा जो है। तो जब से ये हुआ है तब से इस फर्जीवाड़े पे बड़ी रोक लगी है। जब से मोदी सरकार और
केंद्र सरकार ने जो योजनाएं स्टार्ट करी है ऑनलाइन स्कॉलरशिप का, आधार से लिंक करा है, बैंक अकाउंट लिंक करा है, और आपका जो स्कॉलरशिप भरनी है ऑनलाइन फॉर्म भरना है, सिर्फ एक आधार, आप आधार नंबर डालेंगे तो छात्र की पूरी डिटेल, पूरा एड्रेस, पूरा बायोडाटा, पूरा बैंक उसमें ऑनलाइन पोर्टल में आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं धरातल पर उतारी, मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए ठोस निर्णय लिए। भ्रष्टाचार और काले धन की मार से जूझ रही आम जनता सरकार के निर्णयों का दिल खोलकर स्वागत कर रही है। हाँ, जब से बीजेपी सरकार आई है जब से तो बहुत अच्छा हो गया है, काले धन पर रोकथाम लगी है और हर चीज़ सस्ती हो रही है, भ्रष्टाचार भी कम हुआ है, और जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, दवाई बहुत सस्ती हुई है, जेनरिक दवाई ले आई है बीजेपी सरकार और ब्रांडेड। आम लोगों को इन केस आप देखो, सिंपल सी बात, पहले दवाइयाँ बहुत महंगी हुआ करती थी, आजकल देख रहे हैं हम जगह जगह जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं जिसका खासकर गरीब तबके को बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से जो वायदे किए थे वो धीरे धीरे धरातल पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी सरकार के फैसलों को देश में व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। बागेश्वर में जनवरी माह में मकर संक्रांति के दिन से लगने वाले उत्तरायणी मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। सरयू और गोमती नदियों पर इस बार 2 पैदल पुल बनाए जा रहे हैं। नदियों मंदिरों की भी साफ सफाई कर उनकी सजावट की जा रही है। बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी के तट पर हर साल मकर संक्रांति के मौके पर उत्तरायणी मेले का आयोजन किया जाता है। 1 सप्ताह तक चलने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु सरयू और गोमती नदी के संगम पर डुबकी लगाने के बाद बागनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करते हैं। मेले में दूसरे जिलों और प्रदेशों से आने वाले व्यापारियों के लिए अस्थायी दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष गीता रावल ने बताया कि मेले को भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा, इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जैसे जो बागनाथ मंदिर को नुमाइस्कित को जोड़ने वाला जो पुल बनता है उसका निर्माण कार्य प्रगति में है। इसके अलावा जो गोमती पुल से विकास भवन को जोड़ने वाला इस बार एक नया पुल बनाया जा रहा है ताकि जो भीड़ होती है उसे कंट्रोल किया जाए। और इसके अलावा जो मेले के लिए साज सज्जा और पुलों में घाटों में रंग रोगन का कार्य होता है वो भी प्रगति में है, लगातार उसमें काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार सरयू और गोमती नदी पर 2 अतिरिक्त अस्थायी पुल बनाए जा रहे हैं, इससे संगम स्थल पर लगने वाली भीड़ को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मार्च 2017 को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से सप्ताह में 1 दिन पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग नहीं करने का आह्वान किया गया था। इसके तहत रुड़की में PCRA और उत्तराखंड तेल उद्योग की ओर से पेट्रोल और डीजल की बचत के प्रति साइकिल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में रुड़की के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों और पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि इस अभियान के तहत पेट्रोल और डीजल की बचत करके पर्यावरण को हो रही नुकसान से बचाया जा सकता है। उन्होंने लोगों से सप्ताह में 1 दिन साइकिल चलाने की अपील की। आओ साइकिल चलाएं, पूरे शहर रुड़की में जो है इसका आह्वान किया गया कि सभी लोग हफ्ते में 1 दिन साइकिल चलाएं जिससे कि हमारे पेट्रोल की बचत हो सके। रुड़की शहर पूरा प्रयास करेंगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मुहिम है, लोगों फिजिकल एक्टिविटी भी ठीक रहेगी साइकिल चलाने से और लोगों को जागरूकता भी आएगी और लोग बीमार नहीं होंगे और पेट्रोल की बचत तो इसमें होगी। उन्होंने कहा कि इस तरह 1-1 दिन की बचत से काफी लाभ होगा जिससे पर्यावरण के साथ ही आम लोगों का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। जो तेल बचाओ जो एक नारा है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कैसा जो क्या कहते हैं इसको लिमिटेड रिसोर्सेस है पेट्रोलियम, उनको हम कैसा संरक्षण करें और इसको कैसा सही इस्तेमाल करें उसी का एक वो हिस्सा के तहत ये जो साइक्लोथन रैली है। HPCL के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक GHV राव ने राष्ट्र निर्माण के लिए पेट्रोलियम पदार्थों की बचत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आम लोगों को जागरूक करने के लिए ये साइकिल रैली निकाली गई है, इससे पर्यावरण को हो रहे नुकसान से बचाया जा सकेगा। और अब इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।